हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज। और परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं है जहां पे परसेंटेज से आपको 2 से 3 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। और परसेंटेज एक बहुत ही बेस है बहुत सारे टॉपिक का, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो या डेटा इंटरप्रिटेशन हो या फिर आपको प्रॉफिट लॉस हो या फिर मिक्सर एलिगेशन हो। सो बहुत सारे टॉपिक है जहाँ बिना परसेंटेज के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए परसेंटेज को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको यूपीएससी, आईबीपीएस और एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जनरली हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं आपको हर एक एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन क्या है, इन एन एग्जामिनेशन 49% स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश, 36% स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी, वाइल 15% फेल्ड इन बोथ। इफ टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट इज 450, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड अपियर इन द एग्जामिनेशन। मीन्स क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 49% जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश में फेल है और 36% जो स्टूडेंट है वो हिंदी में फेल है और 15% जो स्टूडेंट है वो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होता है, एक जो हम लोग सेट थ्योरी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और दूसरा जो है हम लोग वेन डायग्राम यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग वेन डायग्राम को यूज़ करते हैं तो वो सिंपल होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो वेन डायग्राम में हम लोग 2 सर्कल्स बनाते हैं, एक इंग्लिश के लिए और दूसरा हिंदी के लिए। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 49% जो विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश में फेल हैं और 36% जो विद्यार्थी हैं वो हिंदी में फेल हैं, लेकिन 15% जो ऐसे विद्यार्थी हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल है। अब देखिए, जो ये 15% बीच का जो वैल्यू है इसको हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं, मतलब जो वैल्यू दोनों में कॉमन है। तो ये 15% जो है इसमें भी है और 15% जो है इसमें भी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में दोनों में ऐड कर रहे हैं इस 15% को, जो कि गलत है। तो हमारा जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल 49 + 36 और उसमें से 15 को घटा देंगे, क्योंकि 15 जो क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों में कॉमन है ये 15, तो हम लोग दोनों में ऐड कर रहे हैं। तो देखिए, 9 + 6 क्या हुआ, 15 हुआ, 4 + 3 = 8 हुआ, 85 में से 15 का कितना है 70%। सो टोटल जो है 70% स्टूडेंट जो क्या है वो फेल हैं, 70% स्टूडेंट जो क्या है फेल किए हैं। तो पास कितने हैं, तो टोटल 100 होता है, 100 में से 70% फेल, तो 30% स्टूडेंट जो है वो पास किए हैं एग्ज़ाम। और परसेंटेज में 30% स्टूडेंट्स पास हैं और नंबर में वो कितने हैं, 450 हैं। तो 30 से अगर इसको डिवाइड कीजिएगा 450 को, तो वो कितने मरतबे चला जाएगा, 15 मरतबे चला जाएगा। मीन्स 1% जो है वो क्या है, 15 के बराबर है, नहीं ये 0 से 0 चला गया और 15 = 45। तो 1% जो है क्या है, 15 के बराबर है। तो 100% कितना होगा, 1500 के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अपीयर हुए, द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए होंगे वो कितने होंगे, 1500 होंगे। और यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितने स्टूडेंट जो हैं वो अपीयर हुए एग्ज़ाम में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1500। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इन एन एग्ज़ाम 34% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स। एक एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें 34% जो स्टूडेंट हैं वो किस में फेल हैं, मैथ्स में फेल हैं, ठीक। एंड 42% स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश, 42% जो स्टूडेंट हैं वो किस में फेल हैं, इंग्लिश में फेल हैं। इफ 20% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, 20% जो हैं वो आपको मैथ्स में भी फेल हैं और इंग्लिश में, मैथ्स एंड इंग्लिश में फेल हैं, दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं। तो कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो हैं जो एग्ज़ाम में पास किए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी वेन डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 2 सर्कल बना लेते हैं, एक जो हमारा क्या है मैथ्स का है और दूसरा जो क्या है हमारा इंग्लिश का है। तो मैथ्स में कितना हो गया, 34% फेल हैं, इंग्लिश में 42% फेल हैं और जो कॉमन है वो क्या है, 20%। तो हमारा जो कॉमन पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन भी बोलते हैं।
अब इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो 20% जो लोग हैं जो दोनों में फेल हैं वो क्या है, मैथ्स में भी कॉमन है और इंग्लिश में भी कॉमन है। तो ये 20% जो है वो दोनों में कॉमन है, दोनों में ऑलरेडी सम्मिलित है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको घटा लेते हैं। तो 34 + 42 - 20, तो ये कितना हुआ 6 और 3 = 7, तो 76 में से 20 के कितना हुआ 56%। सो जो टोटल फेल्ड स्टूडेंट हैं, जो टोटल फेल्ड स्टूडेंट है वो कितना हो गया, वो हो गए आपको 56%। तो पास कितने किए होंगे, तो पास का जो परसेंटेज है वो 100 - 56%। तो 6 में से जब 56 को घटाइएगा 100 में से, तो आपको आएगा 44%। और ऑप्शन डी जो क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप सेट थ्योरी से करने का कोशिश करते हैं, तो पी ए यूनियन बी जो होता है PA + PB - PA × B मीन्स टोटल फेल्ड स्टूडेंट अगर आप निकालना चाह रहे हैं, तो मैथ्स में कितने फेल है, 34% फेल है, इंग्लिश में कितने फेल है, 42% फेल है, और दोनों का इंटरसेक्शन दोनों में कितने फेल हैं, 20 फेल है। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 56% स्टूडेंट जो क्या है फेल्ड है। तो पास कितने किए थे, तो पास आपको 100 में से 56 कितना हो गया, 44% जो है आपको दोनों में से पास किए हैं। तो 44% जो टोटल जो स्टूडेंट है वो पास हैं, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।